रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शीतल अपनी छोटी भाभी के कमरे में जाती है और उन्हें अपने बॉयफ्रेंड रुद्र के बारे में बताते हुए बोलती है। भाभी, मुझे आपको कुछ बताना है, समझ नहीं आ रहा कैसे बताऊं। साफ साफ बताओ ना, क्या बात है, इतना हिचकिचा क्यों रही हो। अच्छा ये बात है तो ठीक है। भाभी, मेरा ना एक बॉयफ्रेंड है जिसे मैं बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और उससे शादी भी करना चाहती हूँ। तो तुम इसमें इतना घबरा क्यों रही हो, इतनी सी तो बात है। अच्छा लड़का कौन है, क्या मैं उसे जानती हूँ। नहीं भाभी, आप तो उसे नहीं जानती, पर हाँ वो बहुत अच्छा लड़का है और मुझे बहुत खुश रखेगा। वो सब तो ठीक है, पर तुमने ये बात दीदी को बताई। नहीं नहीं भाभी, ये बात अगर मैंने बड़ी भाभी को बताई वो तो मुझे डांट कर ही चुप करवा देगी। लेकिन उनकी मर्जी के बिना तो कुछ भी होना मुमकिन नहीं है शीतल, ये बात जानती हो ना तुम। जी भाभी, ये बात तो मैं जानती हूँ, लेकिन ये बात मैं उनसे कैसे कहूँ, यही सोच कर मुझे डर लगे जा रहा है। तुम कहो तो मैं बात करूँ तुम्हारे लिए उनसे। हाँ भाभी, आप करके देखो। मीनाक्षी और शीतल दोनों मिलकर राधिका के कमरे में चली जाती हैं। राधिका दोनों को एक साथ अपने कमरे में आता देख चौंक जाती हैं और वो उन दोनों से बोलती है। अरे क्या हुआ, तुम दोनों एक साथ मेरे कमरे में क्या कर रही हो। दीदी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, असल में हम दोनों को आपसे कुछ बात करनी है। ऐसी कौन सी बात है। हमारी शीतल जवान हो रही है, आपको नहीं लगता उसके हाथ पीले कर देने चाहिए। हाँ ये तो तुम सही कह रही हो बिल्कुल, मैं भी कब से यही सोच रही हूँ। तो सिर्फ सोचती रहेंगी या कुछ करेंगी भी। लड़का भी तो होना चाहिए ना मीना, ऐसे ही थोड़ी ना हो जाती है शादी। लड़का है ना भाभी, शीतल ने ढूंढ लिया है। शीतल, ये सच है, और लड़का कौन है, कब से चल रहा है ये सब। ये सच है भाभी, वो मेरी कॉलेज में ही पढ़ता है, हम दोनों 4 साल से एक साथ हैं। और तुम हमें अब बता रही हो, वैसे लड़के का नाम क्या है। पहले बताकर क्या होता, शादी की उम्र तो मेरी अब हुई है ना। ये भी ठीक बात है। अच्छा नाम क्या है उसका। रुद्र। तो घर पर बुलाओ रुद्र को। ठीक है भाभी, मैं आज बुला लेती हूँ। अच्छा मैं कॉलेज के लिए निकल रही हूँ, आप दोनों से शाम को मिलती हूँ। और मीनाक्षी भाभी, आप जरा मेरे साथ नीचे आना। शीतल और मीनाक्षी अब नीचे आ जाती हैं। नीचे आकर शीतल जल्दी से मीनाक्षी के गले लग जाती है, फिर उससे बोलती है। थैंक यू सो मच भाभी, आज आपकी वजह से ही मेरी बहुत बड़ी टेंशन दूर हो गई। अरे शीतल कैसी बात कर रही हो, ये तो मेरा फर्ज था, अब तुम कॉलेज जाओ वरना लेट हो जाओगी। ठीक है भाभी, बाय। अब शीतल वहाँ से चली जाती है और अपने कॉलेज पहुँचकर वहाँ जाकर ये खुशखबरी रुद्र को सुनाती है। पता है तुम्हें, भाभी मान गई। क्या, लेकिन ऐसे कैसे मान गई। मेरा मतलब है कि तुम ही कह रही थी कि वो बहुत स्ट्रिक्ट है, इतनी आसानी से नहीं मानेंगी। हाँ मैंने कहा था ना कि मैं अपनी बड़ी भाभी से सीधा जाकर बात नहीं कर सकती, फिर मैंने अपना दिमाग इस्तेमाल किया और मैंने सारी बात अपनी छोटी भाभी को बता दी, फिर उन्होंने अपने तरीके से बड़ी भाभी से बात कर ली। अच्छा तो ये बात है, फिर क्या नतीजा निकला। भाभी ने ना तुम्हें घर बुलाया है, वो तुमसे मिलना चाहती है, तो तुम आज ही कॉलेज के बाद मेरे साथ घर चलना। अच्छा ठीक है, मैं चलूंगा उनसे मिलने। देखो उनके सामने अच्छे से पेश आना, अच्छे से बात करना, अगर तुम उन्हें अच्छे लगे ना तो ही रिश्ता मंजूर करेंगी, वरना तो समझ जाओ। हाँ बेबी समझ रहा हूँ, अब क्लास में चलें। फिर दोनों क्लास में चले जाते हैं। पूरा दिन कब पलक झपकते ही बीत जाता है पता ही नहीं चलता। फिर शाम को दोनों मिलकर शीतल के घर पर जाते हैं। शीतल घर के बाहर खड़े होकर रुद्र से बोलती है। रुद्र बेबी, भाभी से बिल्कुल आराम से बात करना, बिल्कुल हेजिटेट मत होना, कोई टेंशन बिल्कुल मत लेना। चिंता मत करो यार, मैं कुछ नहीं करूँगा ऐसा वैसा, अब चले अंदर। हाँ ठीक है चलते हैं। दोनों मिलकर घर के अंदर आते हैं। अंदर पहुँचते ही शीतल मीनाक्षी को आवाज़ लगाते हुए उससे बोलती है। भाभी मैं घर आ गई। शीतल की आवाज़ सुनकर मीनाक्षी बाहर आ जाती है। शीतल के साथ रुद्र को देखकर वो उनसे बोलती है। अच्छा तो यही है वो जिससे हमारी शीतल प्यार करती है। जी नमस्ते। नमस्ते, आप खड़े क्यों हैं, अंदर आइए आराम से बैठिए। शीतल इन्हें अंदर लेकर आओ, मैं चाय नाश्ते का इंतजाम करती हूँ। जी भाभी। रुद्र आओ। शीतल रुद्र को अंदर डाइनिंग रूम में लेकर जाती है, वहाँ वो दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं। इतने में ही मीनाक्षी उनके लिए कुछ खाने को बना देती है, फिर वो उनके लिए खाना लेकर जाती है और उनसे बोलती है। ये लीजिए पहले कुछ खा लीजिए, भूख लगी होगी ना। जी
वो तो लग रही है। थैंक यू सो मच। शीतल चलो तुम भी इनके साथ खा लो। जी भाभी आप बैठिए ना। नहीं तुम बातें करो, मैं थोड़ी देर में दीदी के साथ आती हूँ। जिसके बाद मीनाक्षी वहाँ से चली जाती है। फिर शीतल और रुद्र बातें करने लगते हैं। रुद्र शीतल से बोलता है, यार तुम्हारी ये वाली भाभी तो बहुत अच्छी है। हाँ रुद्र वो तो मुझे भी पता है, और जितनी अच्छी है ना उतनी समझदार भी है। हाँ वो तो दिखता है इनके चेहरे से और बातों से। और तुम्हारी बड़ी भाभी वो कैसी है? रुद्र जैसे ही ये सवाल करता है वैसे ही राधिका वहाँ आ जाती है और शीतल से बोलती है, हाँ शीतल इन्हें बताओ कि तुम्हारी बड़ी भाभी कैसी है। उसे वहाँ देखकर शीतल और रुद्र खड़े हो जाते हैं। रुद्र राधिका से बोलता है, नमस्ते। नमस्ते, बैठो। शीतल और रुद्र भी बैठ जाते हैं। अब मीनाक्षी भी वहाँ आ जाती है। राधिका शीतल से बोलती है, अरे शीतल तुमने इन्हें बताया नहीं मेरे बारे में अभी तक, ये पूछ रहे थे ना, जल्दी बताओ। जी भाभी, रुद्र ये मेरी बड़ी भाभी राधिका है, भाभी ये रुद्र है। अरे वाह, नाम तो बहुत ही अच्छा है इनका। वैसे आप पढ़ने के अलावा क्या करते हैं? जी मैं अपने पापा का बिजनेस देखता हूँ, उनका टेक्सटाइल का बिजनेस है। तो आप भी आगे जाकर यही करने वाले हैं? जी नहीं, मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर बनना चाहता हूँ। ओह अच्छा, खुद के पैरों पर खड़ा होना चाहते हो, अच्छी बात है। पर क्या आप हमारी शीतल का अच्छे से ख्याल रख पाओगे? जी बहुत अच्छे से रखूंगा शीतल का ख्याल। मुझे आपका कॉन्फिडेंस काफी पसंद आया। तो रुद्र कल फिर आना, बाकी की बातें कल करते हैं। जी ठीक है। भाभी मैं इन्हें घर के बाहर छोड़ कर आती। फिर शीतल रुद्र को घर से बाहर छोड़ने के लिए चली जाती है। बाहर आकर रुद्र शीतल से बोलता है, क्या लगता है तुम्हें तुम्हारी भाभी को मैं कैसा लगा? मुझे लगता है कि तुम उन्हें पसंद आ गए, इसलिए तुम्हें कल फिर बुलाया है। हाँ मुझे भी यही लगता है, क्या पता कल वो हमारा रोका ही कर दे। खैर कल देखते हैं, अभी मैं चलता हूँ। ठीक है आराम से जाना। रुद्र वहाँ से चला जाता है और शीतल भी घर में वापस आ जाती है। अंदर आने के बाद शीतल मीनाक्षी के पास जाती है और उससे बोलती है, भाभी आपको क्या लगता है रुद्र बड़ी भाभी को पसंद आया होगा? मुझे लगता है कि उन्हें रुद्र अच्छे लगे हैं, पर हो सकता है कि कुछ और बात हो इसलिए उन्होंने दोबारा बुलाया है रुद्र को कल। भाभी मुझे तो सोच कर ही घबराहट से हो रही है। तुम बिल्कुल भी मत घबराओ और भगवान पर और अपने प्यार पर पूरा भरोसा रखो। चलो अब तुम जाकर सो जाओ, बहुत थक गई होगी ना। कोई बात नहीं भाभी, मैं हूँ ना, मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। फिर दोनों ननंद भाभी मिलकर बर्तन धोने लगती हैं। उसके बाद अपने अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती हैं। अगले दिन रुद्र वापस उनके घर आता है तो राधिका उससे बोलती है, आओ बैठो और ये बताओ तुम तैयार हो ना? मैं कुछ समझा नहीं। तुम्हें शीतल से शादी करनी है या नहीं? जी वो तो करनी है, जब ही मैं यहाँ आया हूँ। तो उसी के लिए पूछ रही हूँ, तैयार हो ना? जी मैं पूरी तरह तैयार हूँ। ठीक है फिर, शीतल इधर आकर बैठो इनके साथ। जी भाभी। शीतल रुद्र के साइड में बैठ जाती है और फिर राधिका मीनाक्षी से कहती है, मीना जाओ कमरे में कुछ सामान पड़ा है उसको लेकर आओ। जी दीदी अभी लाती हूँ। मीनाक्षी अंदर कमरे से सामान लेकर आ जाती है। फिर राधिका रुद्र से बोलती है, ये लो अंगूठी रुद्र और शीतल को पहना दो, और आज से शीतल तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। जी ठीक है, और मैं इस जिम्मेदारी को पूरी जिंदगी बड़े ही प्यार से निभाऊंगा। ये लो शीतल तुम भी पहना दो। जी भाभी। बहुत बहुत मुबारक हो। फिर दोनों राधिका और मीनाक्षी के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लेते हैं और कुछ दिनों बाद राधिका उनकी शादी भी करवा देती है। फिर सब खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगते हैं। सुमन ने अपनी बेटी कमल की शादी निम्मी नाम की एक बहुत ही सुंदर लड़की से की थी। निम्मी एक अच्छी बहू की तरह सारा काम करती थी और सबका ख्याल रखती थी, साथ ही अपनी ननद परी को भी अपनी बहन की तरह ही प्यार दिया करती थी। ऐसे ही एक शाम को सभी लोग चाय पी रहे होते हैं, तभी सुमन बोलती है, अरे निम्मी बहू जब से तुम आई हो ना बड़ा सुकून मिल गया है, तुमने तो घर के सारे काम संभाल लिए आते ही। जी माँ जी, ये मेरा भी तो परिवार है और परी तो मेरी छोटी बहन जैसी है। हाँ माँ, भाभी तो मेरा खुद से ज्यादा ख्याल रखती है हमेशा। चलो अच्छा है, अब तो मैं खुशी खुशी इस दुनिया को अलविदा कह सकती। माँ ऐसी बातें मत किया करो आप। अरे सॉरी सॉरी, गलती हो गई भाई। सुमन की बात सुनकर सब हंसने लगते हैं। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और निमी अपना असली रंग दिखाना शुरू कर देती है। अब वो बस वही करती जो उसका मन करता,
और सारा दिन आराम से अपने कमरे में फैलकर सोती रहती। ऐसे ही एक दिन निम्मी रसोई में रोटी बना रही थी। सारी रोटी सेक कर और वहाँ से जाने लगती है। तभी परी बोलती है, भाभी ये क्या है, अपने रोटी सेक दी पर स्लैब साफ नहीं किया, देखिए आटा ऐसे ही फैला हुआ है। तो तुम्हारे कौन से हाथ टूट गए हैं साफ करते हुए, कर दो साफ। भाभी ये कैसी बात कर रही हैं आप, क्यों करंट लग गया क्या कोई, जरा सा काम क्या बोल दिया, हाव भाव ही बदल गए। इतना कहकर निमी वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद परी सारी रसोई साफ करती है। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और दिन पर दिन निमी का काम को लेकर परी पर बोलबाला बढ़ता ही जाता है। ऐसे ही एक दिन निमी रात का डिनर बनाकर रसोई की सिंक में बर्तनों का पहाड़ लगा देती है और हाथ धोकर वहाँ से चली जाती है। तभी परी वहाँ प्लेट रखने आती है और बोलती है, भाभी ये सब क्या है, क्या हुआ, ये जो इतने सारे बर्तन ढेर लगा रखे हैं उनको कौन धोएगा, हाँ तुम और कौन। अरे सुबह शाम बर्तन मैं ही धोती रहूँ क्या, दोपहर को भी मैंने ही धोए थे तो शाम को मैंने भी धोए थे, तो क्या सारे घर में बस मैं ही खाती हूँ, हाँ जो इतने सारे बर्तन धोऊं तो मैं ही खाती हूँ। और नहीं तो 10 गिलास तो आप पानी पीकर गंदे कर देती हो, लेकिन जब मैं धोऊं तो वो बर्तन भी आप निकाल कर बड़ी सफाई से रख देती हो। तो तुम्हारे कौन से हाथ टूट गए हैं, धो लो सारा काम मैं ही करके दूं। हद है, अरे जमाने भर के बर्तन गंदे तुम करो और धोए हम। अपनी बकवास अपने पास रखो, धोना है तो धो वरना मेरा दिमाग मत खाओ। दोनों की बहस की आवाज़ सुनकर सुमन वहाँ आती है और आकर बोलती है, अरे क्या हो गया, क्यों तुम दोनों जंगली बिल्लियों की तरह लड़ रही हो, आपकी मैडम क्यूरी को बर्तन धोने में दिक्कत हो रही है। अरे बस करो तुम दोनों, हटो यहाँ से, जब देखो तब लड़ाई करती हो, मैं धो लेती हूँ सारे बर्तन। माँ आप ही देखो, अरे कोई बर्तन नहीं है जो इस महारानी ने गंदा न किया हो, ऊपर से एहसान जता रही है। सुमन उन दोनों को डांट कर वहाँ से भगा देती है, जिसके बाद वो खुद रसोई का सारा काम करती है। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और निमी की कामचोरी बढ़ती जाती है, जिसके चलते परी और उसकी बहस अब और बढ़ने लगती है। एक दिन दोपहर को जब परी कॉलेज से घर आती है तो देखती है कि सुमन ढेर सारे कपड़े धो रही है। तभी वो बोलती है, माँ भाभी का है हो गए अपने कमरे में, क्यों आप ये सब अकेले क्यों धो रही हैं, उनको बुलाओ। अरे कब से तो आवाज़ें दे रही हूँ, सुनती ही नहीं है। रुको मैं देखती हूँ ऐसा कहाँ बिजी है वो। इतना कहकर परी निम्मी के रूम में जाती है और देखती है कि निम्मी तो आराम से सो रही है, जिसे देखकर परी मन ही मन में बोलती है, वहाँ मेरी माँ इतने कपड़े अकेले धो रही है और आप यहाँ आराम से सो रही हैं, शर्म तो है नहीं जरा भी इस औरत में, कितनी बेशर्म है ये। परी ये सब बोलकर निम्मी के रूम से जाती है और फुल वॉल्यूम में बूफर चला देती है, साथ ही खुद भी जोर जोर से गाने लगती है और इन सब से निमी की आंख खुल जाती है और उसे बहुत तेज गुस्सा आता है। वो गुस्से में तनतनाती हुई परी के रूम में जाती है और बूफर का तार प्लग से निकाल देती है और चिल्लाते हुए बोलती है, दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा, जो ऐसे बूफर बजा रही हो तेज तेज, ऊपर से खुद भी सुर लगा रही हो। अरे अरे भाभी की नींद खराब हो गई। हाँ हो गई, बदतमीज बहुत हो तुम। तो आप भी तमीज़दार नहीं है समझी आप, जुबान संभाल कर बात करो परी, बड़ी भाभी हूँ मैं तुम्हारी। तो बड़े होने का फर्ज निभाओ ना, जाओ जाकर मम्मी के साथ कपड़े धुलवाओ, सारा दिन मरी भैंस की तरह बिस्तर पे पड़ी रहती हो। तुम्हें इतना ही तरस आ रहा है तो खुद क्यों नहीं काम करवा लेती अपनी माँ के साथ। मैं तो करवा ही दूंगी, अरे आप भी करवा लिया करो, सारा दिन इस बेड से प्यार मत किया करो, हाथ पैर चला लिया करो अपने भी, अरे जाम हो जाएंगे। निमी को सुनाकर परी चली जाती है और निमी खुद से बोलती है, इस एक पिलान की लड़की की इतनी हिम्मत हो गई कि ये मुझे सुनाकर चली गई, पर मैं भी निम्मी हूँ, अब देखना कैसे इसे दिन में तारे दिखाती हूँ। सबको बड़ा शौक है ना मुझसे काम करवाने का, ऐसा काम करूँगी ना कि खुद हाथ जोड़कर कहेंगे कि बस करो हमें नहीं करवाना तुमसे काम। निम्मी इतना सोचकर वापस अपने कमरे में जाती है और आराम से पसरकर सो जाती है। निम्मी की हरकतों से अब सुमन भी बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। निम्मी को नाश्ता देने के लिए वो उसके कमरे में जाती है और देखती है कि वो आराम से मस्त सोई हुई है। ये देखकर उसका खून खोल जाता है और वो जूस निमी के मुंह पर उंडेल देती है और वो एकदम से उठ जाती है और गुस्से में निमी परी से बोलती है, ये क्या किया तुमने। मैंने क्या किया है, कुछ भी नहीं,
मेरे चेहरे पर जूस गिरा दिया तुमने जानबूझकर। जी नहीं, वो तो जूस के गिलास को आप ज्यादा अच्छी लग गई, इसलिए अपने आप गिर गया आपके ऊपर और आपकी सुबह हो गई। इतनी बार कहा है मैंने तुमसे कि अपने काम से काम रखा करो, हर बार मुझसे दुश्मनी निकालने क्यों आ जाती हो? निकलो मेरे कमरे से बाहर। परी हंसी हुई कमरे से बाहर आती है और ऐसे ही कुछ वक्त बाद टिमी को पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है। वो ये खबर सबको सुनाती है जिसके बाद पूरे घर में खुशियों का माहौल बन जाता है। पर निमी की काम चोरी की आदत नहीं जाती जिसके चलते उसके घर वालों से यूं ही तूतू मैं चलती रहती है और परी से तो उसका 36 का आंकड़ा हो जाता है। निमी की प्रेगनेंसी को 9 महीने पूरे हो जाते हैं और एक शाम निमी को लेबर पेन शुरू होता है और वो दर्द से कराहने लगती है और अपने कमरे से नीचे हॉल में आने लगती है और शोर की आवाज से परी वहाँ आती है और अपनी भाभी को संभालते हुए बोलती है, भाभी भाभी आप ठीक तो है ना? आप डरो मत, कुछ नहीं होगा आपको, मैं हूँ ना आपके साथ, कुछ भी नहीं होगा आपको। परी जैसे तैसे उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है और निमी को एडमिट करवाती है जिसके बाद निमी बहुत ही स्वस्थ बच्ची को जन्म देती है। और कुछ ही देर बाद परी निमी से मिलने के लिए उसके वार्ड में जाती है और निमी बोलती है, मुझे माफ कर दो परी, मैंने आज तक तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, पर आज सबसे मुश्किल वक्त में तुमने मेरा साथ दिया, तुम सबसे अच्छी हो। परी अपनी भाभी को गले लगा लेती है और उनको माफ कर देती है और इसी के साथ उनकी दुश्मनी का एंड होता है। परुण ने रेशमा को खूब समझाया मगर ये तो भैंस के आगे बीन बजाने जैसा था। वो वरुण की बात को नजरअंदाज करते हुए रोजाना जंक फूड खाने लगी थी। कुछ दिन और बीतते गए और एक बार फिर रेशमा के पेट में जोरदार दर्द हुआ और वो चिल्लाने लगी, हाय वरुण वरुण मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। रेशमा 12वीं पास करने के बाद आगे की पढ़ाई करने दिल्ली आ जाती है और एक पीजी में रूम लेकर अपनी सहेली रश्मिका के साथ रहने लगती है। रेशमा एक देहाती लड़की थी और रश्मिका एक शहरी लड़की थी। रश्मिका को बाहर का खाना खाने का बहुत शौक था, वो अक्सर पिज्जा बर्गर फ्राइज जैसी चीजें खाती रहती थी। धीरे धीरे उसने रेशमा को भी इन सब चीजों का चस्का लगा दिया था। रेशमा भी अब बाहर का खाना ही खाती, घर के खाने से उसे जैसे नफरत होने लगी थी। एक दिन सुबह सुबह अचानक रेशमा के पेट में दर्द उठता है और रेशमा चीखने लगती है, रश्मिका और रश्मिका जरा इधर आओ। हाँ रेशमा रुको, बस 5 मिनट में आई। रेशमा का दर्द और बढ़ जाता है और वो और भी तेज चिल्ला कर बोलती है, ए हाय माँ रश्मिका जल्दी आओ, यहाँ दर्द के मारे मेरी जान निकले जा रही है और तुम पता नहीं कौन से कामों में लगी हो। रुको मैं तुम्हारे लिए अभी नींबू पानी लेकर आती हूँ, शायद कल काफी मसालेदार खाना खाने की वजह से तुम्हारा पेट गड़बड़ हो गया है, तुम बस 1 मिनट रुको मैं बस अभी आई। ऐसा कहकर रश्मिका जल्दी से उसके लिए नींबू पानी लेकर आती है और रेशमा उसे पी लेती है मगर फिर भी उसे आराम नहीं होता और वो चिल्लाती है, रश्मिका मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा, हाय हाय मैं तो मर गई। रेशमा की चीखें सुनकर रश्मिका उसे फटाफट हॉस्पिटल लेकर जाती है और इमरजेंसी वार्ड में दाखिल करवाती है जिसके बाद वो वेटिंग रूम में डॉक्टर के आने का इंतजार करती है और कुछ ही देर में डॉक्टर आते हैं और बोलते हैं, देखिए रश्मिका जी आपकी सहेली रेशमा की तबीयत काफी सीरियस है, उनके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर सेमी डाइजेस्टेड फूड अटक गया है और ये फाइबरलेस फूड काफी खतरनाक है, क्या आप बता सकती हैं कि उन्होंने कल रात को क्या खाया था? डॉक्टर साहब कल हम एक पार्टी में गए थे जहां हमने काफी सारा जंक फूड और मसालेदार खाना खाया था। देखिए प्रॉब्लम को अच्छे से आइडेंटिफाई करने के लिए हमें काफी सारे टेस्ट करने होंगे, आप डॉक्यूमेंट्स पर अपने सिग्नेचर कर दीजिए और ये कुछ दवाइयां हैं ले आइए जल्दी से। रश्मिका जल्दी से सिग्नेचर करती है और दवाइयां ले आती है। कुछ देर बाद डॉक्टर फिर से आकर बोलते हैं, रेशमा जी अब खतरे से बाहर है, थोड़ी ही देर में उन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, अब आपको उनका खास ख्याल रखना है, उन्हें बाहर के खाने से दूर रखना है वरना उन्हें पाइल्स का भी खतरा हो सकता है और दवाई टाइम पर देनी है,
और कोर्स खत्म होने के बाद एक बार चेकअप जरूर करवाना। आप पेमेंट करने के बाद उन्हें ले जा सकती हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि मेरी सहेली ठीक हो गई। रश्मि का पैसे जमा करवा के रेशमा को पीजी ले आती है और उसे बाहर का खाना ना खाने की नसीहत देती है, मगर उसे खुद बाहर के खाने की लत थी, इसीलिए उसने एक पिज्जा ऑर्डर किया और खाने लगी। वो अक्सर रेशमा को बाहर का ना खाने की कहती और खुद ही बाहर का खाने लगती। ऐसे ही कई दिन तक चलता रहता है। रेशमा भी अब वापस बाहर का खाने लगी थी। दिन बीतते गए और अब उन दोनों की पढ़ाई भी पूरी हो जाती है। दोनों अपने अपने घर आ जाती हैं। रेशमा के घर में उसके रिश्ते की बात चलने लगी थी और उसकी शादी वरुण नाम के एक नौजवान से हो जाती है। वरुण एक काफी मेहनती लड़का था, इसीलिए अक्सर उसे ऑफिस की पार्टीज में इनवाइट किया जाता था। वरुण और रेशमा साथ साथ पार्टी में जाते थे और रेशमा काफी सारा जंक फूड खा लेती थी। एक दिन वरुण उसे टोक कर बोलता है, यार ये बाहर का ऑयली खाना कितना हार्मफुल होता है बॉडी के लिए, पता है कुछ तुम्हें? आप है ना मुझे बताने के लिए। देखो रेशमा, तुम्हें किडनी स्टोन हो जाएगा या फिर हार्ट इंजरीज भी हो सकती हैं। मैं तो सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए पार्टी में आता हूँ। वरुण ने रेशमा को खूब समझाया, मगर ये तो भैंस के आगे बीन बजाने जैसा था। वो वरुण की बातों को नजरअंदाज करते हुए रोजाना जंक फूड खाने लगी और कुछ दिन और बीतते गए और एक बार फिर से रेशमा के पेट में जोरदार दर्द हुआ और वो चिल्लाने लगी, वरुण वरुण मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। दो लार्ज साइज डबल चिकन पिज्जा ऑर्डर कर देता हूँ, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैं मजाक नहीं कर रही, मेरे पेट में सच में बहुत दर्द हो रहा है। रेशमा मैं भी मजाक नहीं कर रहा, शायद तुम्हें भूख लगी है इसीलिए मैं पिज्जा ऑर्डर कर रहा हूँ। वैसे भी तुम्हारा तो फेवरेट है ना। मुझे कुछ नहीं खाना है माँ, मुझे जल्दी हॉस्पिटल ले चलो, मेरा दर्द बढ़ता जा रहा है। अच्छा बाबा ठीक है, मैं अभी एम्बुलेंस बुलाता हूँ। ऐसा कहकर वरुण जल्दी से एम्बुलेंस बुलाता है और रेशमा को हॉस्पिटल ले जाता है। कुछ देर बाद डॉक्टर वरुण के पास आकर कहते हैं, मिस्टर वरुण मेरे पास दो न्यूज है, एक गुड न्यूज और एक बैड न्यूज, आप कौन सी न्यूज सुनना चाहेंगे? डॉक्टर दोनों ही न्यूज मेरी वाइफ से जुड़ी है, मैं दोनों ही सुनना चाहूँगा। पहले मैं आपको गुड न्यूज देती हूँ, आप कुछ ही महीनों में बाप बनने वाले हैं। और बैड न्यूज ये है कि आपकी वाइफ को पाइल्स हो चुका है और वो कंटिन्यूसली बढ़ता ही जा रहा है। पाइल्स? और रेशमा को? ऐसा कैसे हो सकता है डॉक्टर? मिस्टर वरुण आपकी वाइफ को काफी पहले से इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन है और यह बढ़ चुका है, और साथ ही प्रेगनेंसी कंसीव करने की वजह से उनके वेंस पर प्रेशर बढ़ा और ये पाइल्स में कन्वर्ट हो चुका है। डॉक्टर ये प्रॉब्लम ठीक कैसे होगी? मिस्टर वरुण ये प्रॉब्लम काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, बिकॉज प्रेगनेंसी में दवाई नहीं खानी चाहिए जो पाइल्स के ट्रीटमेंट में यूज होती है। ये मेडिसिन हार्मोनल बैलेंस को बिगाड़ सकती है, जो कि आपके होने वाले बच्चे के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता है। प्लीज डॉक्टर कोई तो रास्ता होगा। मिस्टर वरुण आपकी वाइफ की पुराने रिपोर्ट देखने के बाद ये पता चला है कि उनका दिल्ली में भी ट्रीटमेंट चल रहा था। डॉक्टर इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता। देखिए मिस्टर वरुण, नेचुरल आयुर्वेदिक मेडिसिन और एक्सरसाइज से उनका ट्रीटमेंट पॉसिबल है, क्योंकि सर्जिकल मेथड हाईली रिस्की हो सकता है। आप उनका घर पर ही ध्यान रखें, घर पर बना हुआ खाना खिलाएं, फ्रूट्स खिलाएं, एक्सरसाइज करवाएं। सब कुछ ठीक चला तो 2 महीने में ही सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएगी। डॉक्टर के कहे अनुसार वरुण ने रेशमा को अच्छे से देखभाल करके ठीक कर दिया और रेशमा ने भी सारी चीजें फॉलो करी और ठीक हो गई और एक प्यारे से बच्चे को जन्म दिया। अब रेशमा बाहर का खाना हमेशा हमेशा के लिए भूल चुकी थी और अब वो लोगों को फास्ट फूड और जंक फूड से बचने की सलाह देती है। रेशमा सोशल मीडिया पर वीडियोस बनाकर लाखों करोड़ों लोगों को फास्ट फूड से होने वाले नुकसान के बारे में अवेयर कर रही है। सोशल मीडिया पर वीडियोस बनाने की वजह से उसे कई सारे हेल्थी और ब्यूटी शो से भी एंकरिंग के ऑफर आने लगे हैं। इतनी ज्यादा पॉपुलर होने के बाद उसके आर्टिकल अब न्यूज़पेपर में छपते हैं। इन सब चीजों के अलावा वो एक माँ होने का भी फर्ज अच्छे से निभा रही है। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।